पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुस्तकालय के 5 सिद्धांतों के बारे में, जिसको डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था, के बारे में पढ़ा आज। लेकिन वो पुस्तकों के बारे में था और डॉक्टर रंगनाथन ने उसे 1931 में दिया था। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या वो सारे सिद्धांत, वो सारे नियम किस तरह यूज किए जा रहे हैं? क्योंकि आजकल तकनीकी का प्रयोग होने लगा, आजकल वेब टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आज पहले हम लोग पुस्तकें थी, आज हम लोग सूचना के बारे में पढ़ने लगे, फिर उसके बाद डेटा के बारे में पढ़ने लगे। तो वर्तमान बदल परिवर्तनशील सूचना परिवेश में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की प्रासंगिकता क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे अलीरेजा नोरूजी ए, 1904 में इन्होंने क्या किया कि एक बात कही कि जो 5 नियम थे उनके, वो 21वीं सदी में वो प्रासंगिक हैं कि नहीं। जैसे एक प्रश्न आता है कि वेब के लिए डॉक्टर रंगनाथन के 5 नियम की उपयोगिता के नाम से उन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया, तो उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया गया। अब वेब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML नामक एक HTML एक लैंग्वेज है। उसकी लिपि में लिखा गया एक दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने वाली एक वैश्विक हाइपर टेक्स्ट प्रणाली है। वेब एक HTML की हाइपर टेक्स्ट प्रणाली है जो स्थानीय और दूरवर्ती विषय वस्तु को परस्पर जोड़ने में सहायता करती है। मतलब ग्रामीण से लेकर वैश्विक स्तर के चीज़ों को जोड़ने वाली एक हाइपर टेक्स्ट प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, वेब। वेब की जो रचना है 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा जिनेवा में सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में की गई थी। अब नोरूजी जो 2004 में इन्हें ये बात करनी थी कि ये जो वेब है, वेब के समय में ये पुस्तकालय के 5 नियम उपयोगी हैं कि नहीं, तो इसलिए हमें वेब के बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वेब के बारे में थोड़ा सा बताया। तो अब ये क्या होता है कि ये जो सामग्रियाँ होती थी, जो सबसे पहले ऑफलाइन होती थी और पुस्तकों के रूप में ही होती थी और हार्ड कॉपी में होती थी, अब ये ऑनलाइन उपलब्ध करवाने लगी। जब से वेब जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवाने लगा, अब वेब उन सभी के योगदानों से निर्मित होता है जो योगदान करने के इच्छुक होते हैं। मतलब जैसे मैं ये जो कंटेंट बना रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो फिर ये पढ़ाने के बाद मैंने यूट्यूब पे डाल दी, तो यूट्यूब पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन अगर ये वीडियो मेरे पास ही होता तो इसका लिंक मैं जिसको भेजता या इसको इस वीडियो को मैं जिसको भेजता सिर्फ वही देख पाता। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देख लिया तो कोई भी देख सकता है उसे। तो ये एक वेब की तरह है और वेब सभी प्रकार के सूचना वाहकों का असंरक्षित और अत्यंत जटिल मिश्रण है। अब यूट्यूब पे आप जाओगे तो उस पर ढेर सारे तरीके के आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। कौन कौन सी सूचनाएं? पढ़ाई से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, खेल से संबंधित, या सारे क्षेत्रों को मिला करके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही जटिल संरचना है और आपको अगर सर्च करना हो इसमें ब्लिस के बारे में, तो आपको बाकायदा सर्च करना पड़ेगा ब्लिस, फिर उसमें सर्च करना पड़ेगा कि 5 सिद्धांत पुस्तकालय के, तब ये मिल पाएगा। तो इसलिए इसमें बताया गया। तो वेब मास्टर्स क्या चाहते थे? जो वेब मास्टर्स उसे बोलते हैं जो वेब की संरचना करते हैं, वेब को बनाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, कि उनकी वेबसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खोजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। तो ये कैसे हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब उसका सभी को एक्सेस प्राप्त हो, सभी लोग उसको सर्च कर पाएँ और उसके कीवर्ड्स मिले। अगर किसी ने ब्लिस सर्च किया तो वो चीज़ें आनी चाहिए, वो कंटेंट आना चाहिए, तभी वो खोज पाएंगे। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा निर्मित वेब के 5 नियम कौन कौन से? सबसे पहला जो है, जैसे पहले मैंने बताया था कि जो पुस्तकें होती हैं वो उपयोग के लिए होती हैं, तो यहाँ पे वेब संसाधन उपयोग के लिए होती हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वेब के बारे में पूछा जाए चाहे सूचना के बारे में पूछा जाए। अगर सूचना के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूचना उपयोग के लिए होता है। तो ये टेक्निक होता है, आप याद कर सकते हो। वेब तो एक हमें याद करना, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, तो चाहे वेब आए चाहे सूचना आए कुछ भी आए हम उसको पढ़ लेंगे। तो वेब संसाधन उपयोग के लिए होती हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सूचनाओं का उपयोग ना किया जाए वे किसी काम की नहीं रहेंगे। जो पुस्तकों का उपयोग ना किया जाए वो पड़ी रहेंगे, जंजीर में बांध के रखो, किस काम की? क्योंकि अंततः वे लोगों को सीखने के लिए ही उपलब्ध होती हैं।
अब ये वीडियोस मैं बना करके सेव भी कर सकता था अपने पास, तो फिर उसका एक्सेस सबको नहीं मिल पाता, तो वो किस काम की होती? ब्लिस ख़त्म होने के बाद, एमलिस ख़त्म होने के बाद, जेआरएफ ख़त्म होने के बाद, या पीएचडी भी ख़त्म होने के बाद, वो मेरे लिए किस काम की होती? या भविष्य में अगर मैं किसी को बताता तो शायद मेरे लिए काम की होती और एक बोझ बना होता, तो इतने ज़्यादा लोग रीच नहीं कर पाते। अभी ये वीडियो बनाने से सब लोग रीच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो सूचनाएं उपयोग ना किया जाए वो किसी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि वे अंततः लोगों को सीखने के लिए उपलब्ध होती हैं। व्यक्ति समुदाय तथा समाज की सेवा करने तथा संचार प्रक्रिया में सामाजिक उपयोगिता की वृद्धि करने में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब प्रथम नियम का जब हम लोग पालन करते हैं तो वेब पर सामग्रियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। सबसे पहले तो पुस्तकें अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब वेब पर सामग्रियाँ उपलब्ध होनी चाहिए, और वे अभिगम योग होने चाहिए, मतलब बहुत ही साधारण होने चाहिए, कोई भी उस तक रीच कर सके, और दूसरा उसका भरपूर उपयोग किया जा सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसका कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिसपे वो पासवर्ड लगा देते हैं, तो कुछ पासवर्ड इसलिए लगाया जाता है कि सारे लोग उस तक पहुँच ना सकें, या उस पर शुल्क लगा दिया जाता है, तो सब लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे अगर शुल्क वगैरह लग जाए। तो इस तरह से प्रथम नियम ऐसे लोगों को सचेत करता है कि वो ऐसा काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, इसकी बात करता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना वेब संसाधन। इसका ये मतलब नहीं कि सारे लोगों को अपना एक वेबसाइट खोल करके और सारा कंटेंट खुद बनाना चाहिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। इसका ये मतलब होता है कि ये वेब मास्टर्स अपनी उपयोगकर्ताओं को उनके अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता के लिए सामग्री प्रदान करना चाहते हैं, तो अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में भली बात जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ब्लिस का स्टूडेंट हूँ तो, और मेरा एक दोस्त है जो MBBS कर रहा है, तो मैंने बोला कि ये ब्लिस का मैंने वीडियो बनाया 5 सिद्धांत, इसको पढ़ लो, अच्छा लगेगा आपको। तो उसने बोला ठीक है मैं इसको पढ़ लेता हूँ, तो एक काम करो, ये बायोलॉजी का है ये चैप्टर, उसको तुम पूरा पढ़ लो। तो मैं बोलूँगा नहीं, अब बायोलॉजी पढ़कर मैं क्या करूँगा, तो वो भी यही रिपीट करेगा कि वो पढ़कर क्या करेगा। तो इसी तरीके से ढेर सारे कंटेंट हो बट हमारे उपयोग की कंटेंट ही ना हो तो बेकार ही। तो इसमें यही बताया गया कि प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना वेब संसाधन मतलब कि हम जो चाहते हैं ऐसे संसाधन मिल पाएँ और सभी प्रकार के लोगों को मिल पाए, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, वर्ग का, लिंग का, आयु, सैद्धांतिक समूह या धर्म या किसी अन्य भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सबको मिल पाए। अगला नियम क्या बताता है? प्रत्येक वेब संसाधन का अपना उपयोगकर्ता होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि जैसे वेब मास्टर को उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु जोड़नी चाहिए तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक विषय वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ब्लिस का बनाया ये वीडियो, अब ब्लिस के जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे रीच कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो वेब या कंटेंट बनाया गया है वो हर कंटेंट के लिए एक उपयोगकर्ता होना चाहिए। तो जैसे ब्लिस के लिए कोई वो उपयोगकर्ता होना चाहिए, और जो दूसरा नियम था इसका उल्टा था, हर उपयोगकर्ता का संसाधन होना चाहिए, मतलब कोई भी उपयोगकर्ता वो जो चाहता उसे मिले, लेकिन यहाँ पे जो उपलब्ध है उसका उपयोगकर्ता मिल जाए। ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अगर क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा नियम समय की बचत। उसमें दिया था कि पाठक का समय बचना चाहिए, इसमें उपयोगकर्ता का समय बचना चाहिए। वेबसाइट के लक्ष्य को प्राप्त करते समय उपयोगकर्ता के समय बचत बहुत महत्वपूर्ण है। उपयोगकर्ता के समय की बचत करने के लिए वेबसाइटों को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक प्रणालियों की रचना करनी चाहिए, जिससे वो शीघ्रतापूर्वक और एकदम सही विषय वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब कई वीडियोस मैंने देखे हैं, उन्हें सिर्फ एक छोटी सी बात बतानी होती है और 10 मिनट लगा देते हैं समय, तो एक इरिटेशन होने लगता है कि 10 मिनट हमने देखा और छोटी सी जानकारी हमें प्राप्त करना। मान लो एक छोटा सा ऐप के बारे में हमें जानकारी लेना हो कि स्क्रीन पर वीडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अब इसको जानने के लिए 10 मिनट का वीडियो देखा, फिर पता चला, अब उसका नाम ही दे दिया जाता 1-2 मिनट के वीडियो में तो समय हमारा बचता, लेकिन अगर 10 मिनट के वीडियो में दिया जा रहा तो एक समय हमारा बर्बाद होता है। अगला पंचम नियम क्या कहता है कि वेब एक बढ़ती हुई संरचना है, मतलब
जो वेब है, इस जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो मनुष्य होता है 18 साल तक उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, बहुत ही तेज़ी से उसके आकार में, उसके ऊंचाई में, उसके शारीरिक भौतिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। बाद में क्या होता है, वो मोटा होता है, दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसके ऊंचाई में नहीं वृद्धि होती है, लेकिन उसके फैलाव में या सिकुड़न में वृद्धि होती है। तो ये इसी तरीके से वेब भी है। वेब में पहले तो तकनीकी हमने बना दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बन गया सबसे पहले, अब क्या है, अब तो सिंपल है, कंटेंट अपलोड करो, कंटेंट अपलोड करो। तो ये बढ़ती हुई संरचना है, वेब आगे बढ़ते हुए समाज में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है तथा उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में सूचनाएँ जोड़ी जाती हैं और वेब एक निरंतर बढ़ती हुई संरचना है। वेब की योजना बनानी चाहिए और उसका निर्माण करते रहना चाहिए। वेब को उसके उपयोगकर्ताओं में वृद्धि होगी, समय के साथ उसमें परिवर्तन होगा और इस गतिशील स्थिति का सामना करने के लिए वेब मास्टर्स को अनिवार्य रूप से अपने कौशल में वृद्धि करते रहना चाहिए। तो ये पांचवा नियम हमारा हो गया। तो ये नियम आमतौर पर केवल वेब में ही लागू नहीं होते, ये ऑनलाइन डाटाबेसेस, डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं में की स्थापना में वृद्धि और मूल्यांकन की विशेषता भी बताते हैं। और ये पांच नियम वेब के आदर्श व संगठनात्मक दर्शन का संक्षिप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमने जान लिया कि परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से पुस्तकालय के पांच नियम आज भी प्रासंगिक हैं। तो हमने आज वेब संसाधन में पढ़ा, अब सूचना संसाधन के बारे में वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए आप लोग बताना, क्योंकि सूचना संसाधन में कुछ नहीं है, केवल वेब की जगह पे सूचना करना है, पुस्तक की जगह पे सूचना कर देना है। जैसे पुस्तकें, सब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, तो प्रत्येक सूचना का उसका उपयोगकर्ता मिलना चाहिए, ऐसे ही करना है। जैसे प्रत्येक वेब को उसका उपयोगकर्ता मिलना चाहिए, तो ये उसी तरीके से, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आवर टाइम, और समय बचाना भी है, हमने ये पढ़ा कि हमें समय बचाना है। तो अगला वीडियो मैं बना दूँगा, जब तक उसमें बनाऊँगा, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।